नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जो कि संबंधित है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उसका परिणाम यहां से घोषित कर दिया गया है, जिसको हम कहेंगे रिवाइज रिजल्ट। क्योंकि इससे पहले जो आपका रिजल्ट घोषित हुआ था उसके अंदर विवाद हो गया था। विवाद ये था कि यहाँ से अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट जो किया गया था वो काफ़ी कम संख्या में देखने के लिए मिला था, और ऐसे में एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग पोस्ट पर चयनित करते हुए यहाँ से परिणाम घोषित हो गया था। अभ्यर्थी ने विवाद किया। आरआरबी की तरफ से इस मुद्दे को समझने के बाद में अब यहाँ से अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप सभी का सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। अगर सिलेक्शन आपका रिवाइज रिजल्ट में हुआ है तो कमेंट करें, या फिर उससे पहले हुआ था तब भी कमेंट करें। उसके अलावा अपने मार्क्स बताना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अपनी कैटेगरी। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, मेरे पास जो अवेलेबल है वो चेन्नई का है। आरआरबी चेन्नई के माध्यम से आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर आप सभी के सामने कुछ पॉइंट बताए गए। इन पॉइंट को आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि आगामी समय के अंदर आपको अपना परिणाम कैसे चेक करना है। इसके अलावा CVT 2 के बारे में भी जानकारी दी गई है कि आपका जो CVT 2 होगा उसके लिए आपको बैठने का मौका मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नीचे आप सभी के सामने ये लिखे हुए रोल नंबर्स, सभी अभ्यर्थी जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। अगर किसी आरआरबी का अभी शो नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करें। थोड़ी देर इंतजार के बाद में सभी आरआरबी के जो परिणाम है वो आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ऐसे में जितने भी अभ्यर्थियों से अभी तक बात हुई है, अभ्यर्थी को कहना है कि पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस बार कट ऑफ काफी ज्यादा कम हुई है। हालांकि 35,000 हैं, करोड़ों आवेदन हैं, लेकिन अब आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपका चयन हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो कितने नंबर से रह गया। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।